आज शाम खेला जाएगा विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। भारत और इंग्लैंड की टीमें होंगी आमने सामने। जानेंगे कहां पर देखा जा सकता है इस मुकाबले को लाइव और साथ में जानेंगे क्या होगी भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस समय अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। आपको बता दें फाइनल मुकाबला डिसाइड हो चुका है। आज शाम फाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने रहने वाली हैं। आपको बता दें विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में अभी तक भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम भी अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है। आज होने वाला ये मुकाबला शाम 5:15 पर शुरू होगा। आपको बता दें आप इस मुकाबले को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख पाएंगे। अगर हम सुपर सिक्स की बात करें तो इंग्लैंड की टीम एक भी मुकाबला नहीं हारी। इंग्लैंड की टीम ने अपने 4 मुकाबलों में से 4 ही मुकाबले जीते और ग्रुप 2 में टॉप पर रही। दूसरी तरफ अगर हम ग्रुप 1 में भारतीय टीम के प्रदर्शन पर एक नजर डालें तो भारतीय टीम ने अपने 4 में से 3 मुकाबले जीते थे, तो वहीं एक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अब यहां पर भारतीय टीम भी एक प्रबल दावेदार बन चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी भारतीय टीम का प्रदर्शन फाइनल मुकाबले में कैसा रहता है। आज शाम होने वाले इस मुकाबले में सैफ अली वर्मा पर सभी की नजरें रहने वाली है। सैफ अली वर्मा न सिर्फ टीम की कप्तान है बल्कि भारतीय सीनियर टीम में भी एक प्रमुख बल्लेबाज मानी जाती है। सैफ अली वर्मा अपने दम पर ही अपनी टीम को जीत दिला सकती है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले फाइनल मुकाबले के लिए अगर हम भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 के ऊपर एक नजर डालें तो सैफ अली वर्मा, श्वेता सहरावत, सौम्या तिवारी, जीत रिसा, ऋचा घोष, हर्षिता बासु, टी साधु, अर्चना देवी, एम कश्यप, पार्श्वी चोपड़ा और सोनम यादव खेलती हुई नजर आ सकती हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय महिला टीम अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।